नमस्कार दोस्तों और मेडी अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे प्राणायाम से होने वाले शरीर के फायदों के बारे में। दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने रेमेडी अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। प्राणायाम के बहुत सारे फायदे होते हैं और उनमें से कुछ आप महसूस कर सकते हैं और कुछ नहीं। ईश्वर ने हम सबको एक आंतरिक असीम शक्ति दी है, यदि इसका उचित उपयोग किया जाए तो सभी उससे स्वस्थ और समृद्धि में प्राणायाम से फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों प्राण वातावरण में उपलब्ध ऑक्सीजन मात्र ही नहीं है, परंतु जो हवा हम सांस के रूप में लेते हैं वह अदृश्य ऊर्जा से भरपूर होती है। यहाँ पर प्राणायाम के सभी गुणों को बताना संभव नहीं है, लेकिन हम यह कह सकते हैं इसके द्वारा मानसिक शांति मिलती है और तनाव से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों प्राणायाम से होने वाले अनगिनत फायदों में से हम कुछ एक फायदे आपको अगली स्लाइड में बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वो कौन कौन से फायदे हैं। योगा और प्राणायाम का लगातार अभ्यास से आप धीमी और गहरी सांस ले सकते हैं। आप अपने सांस लेने की गति को 16 प्रति मिनट से घटाकर 5 प्रति मिनट तक कर सकते हैं। सांस लेने की दर घटने के निम्न फायदे हैं। हृदय गति कम हो जाएगी क्योंकि हृदय को ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वह भी कम बार सांस लेने पर। सांस लेने और छोड़ने के 1.2 का अनुपात होना अच्छा है। शरीर के अंदर के अंगों को स्वास्थ्य रखने के लिए कम कार्य करना पड़ेगा, इसलिए बीमारी कम होगी, रक्तचाप कम होगा, शरीर में तनाव कम होगा और रिलैक्स रहेंगे। योग दर्शन के अनुसार ज़्यादा उम्र सांस लेने की गति पर निर्भर करती है। सांस लेने की दर यदि कम हो जाए तो मनुष्य की उम्र भी बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर कछुआ 1 मिनट में 4-5 बार सांस लेता है और 200 साल या उससे अधिक जीता है, जबकि मनुष्य 1 मिनट में 15 से 16 बार सांस लेता है और लगभग 100 साल तक जीता है। गहरी सांस लेने से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन हमारे खून में बहती है। हृदय इस खून को रक्त वाहिनियों के द्वारा पूरे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक को पहुँचाता है। इससे पूरे शरीर में खून के साथ ऑक्सीजन अधिक बहती है, जिससे सेल्स का क्षय बहुत कम हो जाता है, जो कि आयु बढ़ाने का मुख्य कारण है। हृदय हमारे शरीर का सबसे जटिल और व्यस्त अंग है। यह पूरे दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है और पूरे शरीर में लगातार रात दिन खून का संचार करता है। हृदय का स्वास्थ्य ही मनुष्य के जीवन और अन्य शरीर संबंधी स्वास्थ्य का निर्धारण करता है। अधिक उम्र होने पर इसका स्वस्थ रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खून में ज़्यादा ऑक्सीजन होने का सीधा मतलब है हृदय की मसल्स को अधिक ऑक्सीजन, और यह ऑक्सीजन पूरे हृदय को स्वस्थ रखने में योगदान कर सकता है। पूरा सिस्टम जब सही काम करता है तो हमारे फेफड़े, हृदय, पेट, आंत, किडनी स्वस्थ रहते हैं और सही कार्य करते हैं। पूरा पाचन तंत्र मजबूत और स्वस्थ रहता है। इसके साथ पाचन से संबंधित सभी रोगों को से निजात मिलती है। चिड़चिड़ापन, थकान और आलस से दूर भागते हैं। इसके फलस्वरूप आप अपने कार्य अधिक एफिशिएंसी से कर पाते हैं। प्राणायाम से शरीर के सभी अंग अधिक ऑक्सीजन पाते हैं, इसलिए शरीर से सभी विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। इस वजह से जो रोग आपको होने वाले होते हैं वे कभी नहीं होते। प्राणायाम से पूरे शरीर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जो कि शरीर को रोगों से बचाती है। जो लोग कम शारीरिक श्रम करते हैं तो उनके फेफड़े का विकास अधिक नहीं होता और बेहद कमजोर हो जाता है, इसलिए ऐसे लोगों के फेफड़े शक्त हो जाते हैं दोस्तों, जिससे सांस लेने की क्षमता घट जाती है। बढ़ती उम्र में ऐसे लोगों के लिए प्राणायाम कुछ समस्याओं में लाभकारी हो सकता है, जैसे शरीर में शक्ति और ऊर्जा की कमी, रक्त में यूरिक एसिड के इकट्ठा होने से जोड़ों में दर्द और बेचैनी होती है, जो कि प्राणायाम से नियंत्रित कर सकते हैं, पीठ दर्द, सिर दर्द, खून की कमी, मसल्स में जकड़न, जोड़ों की जकड़न में प्राणायाम से मदद मिलती है। खून की नलियों में प्राणायाम की वजह से खून सही तरीके से पूरे शरीर में नहीं फैल जाता, जो कि प्राणायाम से ठीक हो जाते हैं। इसलिए आप प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें दोस्तों, और बिना ब्रेक के रोजाना करें। इसके फायदे आप तभी अनुभव करेंगे जब आप स्वयं करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल रेमेडी अपडेट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।